अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम तहों वाली बिरयानी बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल और उसमें हम 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और 2 गिलास सेला राइस डालेंगे। कमर्शली भी सेला राइस ही इस्तेमाल होते हैं। आप चाहें तो कच्ची बासमती राइस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर हम चावलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 पानी निकाल कर और उन्हें 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम 1/4 किलो चिकन ऐड करेंगे और चावल भी मैंने 1/4 किलो लिया था। इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब इसमें हम पिसे हुए मसाले डालेंगे, जिसमें लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और नमक शामिल करेंगे। इसके बाद हम कोई भी कंपनी का मसाला जो आपको पसंद हो, बिरयानी मसाला डालेंगे। मैंने नेशनल का डाला है जो कि छोटा पैकेट है। अब इसमें हम कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 कप दही डालेंगे। सब मसालों की मिकदार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसके अलावा वीडियो के एक कोने में भी इनकी क्वांटिटी लिखी हुई आपको नज़र आएगी। फिर हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, 3 टमाटरों का पेस्ट डालेंगे और इन सब में हम गोल्डन ब्राउन किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमने 2 लिए थे और यह मैंने उस वक्त फ्राई किए थे जब मैंने चिकन को पकाया था। उससे पहले मैंने प्याज़ों को फ्राई करके रख लिया था। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 चुटकी कलर, फूड कलर पानी में मिक्स करके ऐड करेंगे और 1 चम्मच इमली ऐड कर देंगे और इनको फिर से अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। मेरे चैनल पे नए आने वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब वीडियो की तरफ आते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और 1 चम्मच नमक का डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा सिरका डाल देंगे। जैसे ही पानी उबलने के लिए तैयार हो जाए तो उसमें हम चावल डाल देंगे जो कि हमने 3 घंटे से भिगो कर रखे थे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1 प्याली ऑयल डालेंगे और हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर उसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारा चिकन गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। कुछ मसाला जात हमारे उस नेशनल के जो मिक्स मसाला था उसमें भी थे और कुछ हमने मज़ीद इसमें ऐड किए हैं, इसलिए हम बॉईल करते वक्त चावलों में खड़े मसाले शामिल नहीं करेंगे। जब हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो जाए तो हम उसमें पुदीना, कटे हुए लीमू, टमाटर के स्लाइस और इसमें हम भुना हुआ प्याज शामिल कर देंगे और 3 हरी मिर्चें वो भी डाल देंगे। फिर हम इसमें अपने बॉईल किए हुए राइस की लेयर लगा देंगे। हम 1 लेयर चिकन की रखेंगे और ऊपर वाली लेयर राइस की रखेंगे। इसके अलावा हम कोई भी लेयरिंग नहीं करेंगे। इस लेयर के बाद हम बचे हुए टमाटर, लीमू के स्लाइस और पुदीना और हमारा ब्राउन किया हुआ प्याज उसकी लेयर लगा देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर अपना मिक्स किया हुआ कलर वो डाल देंगे। जिस शेप में भी आप चाहें कलर को डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने केवड़े के 2-3 कतरे पानी में मिक्स करके वो भी डाले हैं। आप चाहें तो वो ना डालें, वो उसकी खुशबू को ज़रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाला जाता है। इसके अलावा हमने इसमें 1/2 प्याली ऑयल भी शामिल किया ताकि हमारे चावल अकड़े नहीं, सॉफ्ट रहें और शाइनी रहें। इसके बाद हम अपने चावलों को दम लगा देंगे और ऊपर कुछ वज़नी चीज़ रखकर और नीचे बेस में हम तवा लाजमी रखेंगे ताकि इवनली सारे पतीले को एक जैसी हीट मिले। 20 मिनट के लिए दम लगाने के बाद हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे हमारे राइस बिल्कुल अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुए हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार
लगेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप बेल आइकन ऑन रखिए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। हम अपनी बिरयानी को अब सर्व करेंगे हरी चटनी और कचूमर सलाद के साथ, क्योंकि जब भी बिरयानी खाई जाती है तो उसके साथ सलाद और चटनी उसका जूस होते हैं। हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।